तो बेंटन के जो फैंस है कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन निकाल के ले आते हैं, और उन सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये कि बेंटन की सीरीज में बेंटन अल्टीमेट एलियंस में हमें जब देखने को मिला कि केविन के पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी और अपनी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाने के बाद वो सबको मारने लगा था, उस टाइम पे बेन जो है केविन को मारने के लिए निकल जाता है और केविन को लगभग मार देता है सिर्फ अपने एक एलियन का यूज करके, और वो एलियन कोई और नहीं बल्कि अल्टीमेट एक्वा था। अब इस चीज को देखने के बाद बेंटन के कई सारे फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अल्टीमेट केविन के पास जिसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो चाहता तो किसी को भी डिफीट कर सकता था, लेकिन गाइस यहाँ पे बेन ने अपनी अल्टीमेट एक्वा के यूज करके उसी को डिफीट कर दिया, वो भी कुछ मिनटों में। तो यहाँ पे गाइस आखिर क्यों बेन ने अल्टीमेट एग्रेगर को डिफीट नहीं किया, जबकि अल्टीमेट एग्रेगर के साथ बेन की कई बार बैटल हुई थी लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेट एग्रेगर बेन को कई बार डिफीट कर चुका और बेन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अब बेंटन के फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आना काफी नॉर्मल है, क्योंकि गाइस ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिल चुकी है, और स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। तो आप लोग को मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि जब हमें बेन के साथ अल्टीमेट एग्रेगर की बैटल देखने को मिली थी, उस टाइम पे अल्टीमेट एग्रेगर के साथ जब बेन की बैटल हुई थी तो हमें देखने को मिला कि बेन जो अपने एलियंस को चूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज था। स्टार्टिंग में उसने ह्यूमंगसोर का यूज किया, जहाँ पे गाइस ह्यूमंगसोर को अल्टीमेट एग्रेगर नॉकआउट कर देता है, वो भी अपनी कुछ परसेंट पावर का यूज करके, और अल्टीमेट ह्यूमंगसोर वहाँ पे उठ भी नहीं पाता। इसके अलावा अल्टीमेट कैनन बोल्ट के साथ भी एग्रेगर की बैटल हुई थी, उसमें भी एग्रेगर जो अल्टीमेट कैनन बोल्ट को डिफीट कर देता है सिर्फ अपनी लेजर बीम का यूज करके। और गाइस जब अल्टीमेट एग्रेगर बना नहीं था, उस टाइम पे भी एम्फीवियन को नॉर्मल एग्रेगर ने भी डिफीट कर दिया था और बेन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। तो यहाँ पे गाइस देखने वाली चीज ये कि बेन जब भी अपने एलियंस का यूज करता था, उस टाइम पे उसे ये चीज पता ही नहीं थी कि कौन सा एलियन अल्टीमेट एग्रेगर को डिफीट कर सकता है। अब यहाँ पे अल्टीमेट एग्रेगर के साथ कई सारी बैटल करने के बाद बेन को ये बात समझ आ चुकी थी कि बेन के जो नॉर्मल एलियंस है वो अल्टीमेट एग्रेगर को डिफीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बेन ने यूज किया एक्वा, और अल्टीमेट केविन के साथ कई बार बैटल करने के बाद भी बेन भी काफी बार डिफीट हो चुका था, यहाँ तक कि अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को भी नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद बेन ये बात समझ चुका था कि मुझे ऐसे एलियन का यूज करना पड़ेगा जो कि अल्टीमेट केविन को डिफीट कर सकता है। और यहाँ पे बेन जो है अल्टीमेट एक्वा का यूज करके कई बार ऐसे बॉम्ब्स को रोक चुका है जिससे कि पूरे यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, जिसके चलते बेन ने अल्टीमेट एक्वा का यूज किया, और हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट एक्वा ने कुछ ही सेकंडों में केविन को डिफीट कर दिया, यहाँ तक कि बेन उसे मारने वाला भी था। अब इस चीज को देखने के बाद बेंटन के कई सारे फैंस ने बेन का ही मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि इस बंदे ने अल्टीमेट केविन को डिफीट कर दिया लेकिन ये बंदा एग्रेगर को नॉर्मल फॉर्म में भी डिफीट नहीं कर पाया था। तो देखो गाइस बेन ने अपनी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज अल्टीमेट केविन के सामने फुल पोटेंशियल में किया था, जिसके चलते जिसकी वजह से अल्टीमेट एक्वा को अल्टीमेट केविन को डिफीट कर पाया। लेकिन गाइस अगर बेन जो है वो एग्रेगर के टाइम पे भी ऐसा कर लेता तो हो सकता था कि अल्टीमेट एग्रेगर को वो डिफीट कर पाता, क्योंकि बेन का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। लेकिन इसी के बीच एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमेशा एग्रेगर वहां से भाग जाता था, बेन के साथ बैटल नहीं करता था, जिसके चलते बेन को अपना फुल पोटेंशियल यूज करने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो ऐसा कर लेता तो यहाँ पे गाइस वो अल्टीमेट एग्रेगर को भी डिफीट कर देता। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि बेन ने अल्टीमेट केविन को तो डिफीट कर दिया लेकिन वो अल्टीमेट एग्रेगर को डिफीट नहीं कर पाया था। अब इस पे आप लोगों को क्या कहना कमेंट करके मुझे बताना, अपनी अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट में बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।